बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि ईकैट 2017 में आए थे। तो आए जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो लॉग 8x बेस 2 इज इक्वल टू 18 मीन्स दैट x इज इक्वल टू, यहाँ से आपने x फाइंड करना है और ये पीरियड का क्वेश्चन है। तो पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आपने लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, एक्सरसाइज 2.6 से पहले, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव आपने पढ़े। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा है, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 1 में भी, जिसमें फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तकरीबन कोई 13-14 जो हैं वहाँ पर टाइप्स उसकी जो है वो डिस्कस की हुई हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली क्या है, पहले मैं वो थोड़ा सा आपके सामने डिस्क्राइब करता हूँ और फिर हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो दो स्टेप का है, जस्ट आपको सिर्फ आंसर लाना मकसद नहीं है, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए क्वेश्चन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है बेटा, कि आपके पास इफ ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो और ए इज नॉट इक्वल टू वन हो, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन है, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वाई आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूं, जैसे ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स है, दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई करें तो लॉग ए, लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू वाई बन जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू लॉग x बेस a है। यहाँ पर आपको पता है कि a ग्रेटर देन जीरो है और a जो है वो इज नॉट इक्वल टू वन है, और यहाँ पर जो x है वो भी ग्रेटर देन जीरो ही है। तो ये तो आपके पास मैंने जो कॉमन लॉगरिथम है वो डिस्क्राइब किया कि वो कैसे बनता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, यानी कि लॉग ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा ना, y इधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, ये x और y की जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है जी। इसको एक दफ़ा देख लें आप तसल्ली से। ठीक है बेटा, अब ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, इसको मैं रेज करने लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट एक यानी कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूं। अच्छा जी, अब जहां पर आप देखें तो log 8x बेस 2 इज इक्वल टू 18, दोनों तरफ एंटी लॉग लें या log यहां से खत्म करें तो ये 2 की पावर 18 आ जाएगी, 18 और 8x जो है वो इनकी जगह इंटरचेंज हो जाएगी, 2 की पावर 18 इज इक्वल टू 8x आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। आपको पता है कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 3 15, 2 की पावर 15 इसका आंसर है। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो लिख लें 2 की पावर 3x, इसको इधर लाएं, 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो इसको इधर आके ये डिवाइड करेगा, इसको मैं ऊपर लिखूंगा, तो इस तरह से जस्ट सिंप्लीफिकेशन करें तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 18 माइनस 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं, और x इज इक्वल टू 2 की पावर 15। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी अल्फा। क्लियर है बेटा, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही है, कर लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है जी। अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो आपको पता है कि साइन कोस कोसेकेंड और सेकेंड का जो पीरियड है वो 2π होता है, और टेन और कोट का जो पीरियड है वो पाई होता है, चैप्टर 11 पार्ट 1। तो इसका देखें पीरियड जो है वो 2π है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये जो टी के साथ 1/8 इसका कोफिशेंट है, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ, 3 sin 1/8 t, यानी कि t के साथ ये जो 1/8 कांस्टेंट है इसको लेकर आप इसके पीरियड को
वन ओवर एट से जो है वो डिवाइड कर दें, यानी कि साइन का जो पीरियड है वो टू पाई होता है ना, तो इस टी के साथ ये जो कांस्टेंट है वन ओवर एट, इससे आप डिवाइड कर दें, तो एट को ऊपर ले जाएं तो 16 पाई। क्लियर, बहुत आसान, ये एक सेकंड का क्वेश्चन है, तो 16 पाई इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डिस्कस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें अपने, मुझे यकीन है कि उनको फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।